नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। राजस्थान में कांग्रेस में फिर अंदरूनी कलह की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश में अपने ही जो बड़े नेता हैं वो ही आपस में कहीं ना कहीं झगड़ते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, इसका फायदा बीजेपी उठाती नजर आ रही है। बीजेपी का आरोप यह है कि राजस्थान में अघोषित आपातकाल लग चुका है। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान में कांग्रेस में फिर अंदरूनी कलह शुरू हो गई है। प्रदेश में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर एक बार फिर फोन टेपिंग के इल्जाम लगे हैं। इस बार कांग्रेस के विधायकों ने ही फोन टेप कराने का आरोप लगाया है। सचिन पायलट खेमे के कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार कांग्रेस के विधायकों के फोन टेप करवा रही है। कोरोना संकट के बीच राजस्थान में फिर सियासत गर्मा गई। प्रदेश में कांग्रेस विधायकों में असंतोष की खबर के बीच एक बार फिर फोन टेपिंग का मुद्दा उछला है। खुद कांग्रेस विधायक ने ही सरकार पर फोन टेपिंग और कथित रूप से जासूसी के आरोप लगाए। दरअसल कहा जा रहा है कि पायलट खेमा फिर से गहलोत सरकार से नाराज है और वादे पूरे नहीं होने पर वो आलाकमान के संपर्क में बना हुआ है। कांग्रेस के ही विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि दो तीन विधायकों ने सीएम अशोक गहलोत को भी इसकी सूचना दे दी। मैंने ट्वीट किया है क्योंकि मैंने उन विधायक महोदय का बयान मीडिया पे और सोशल मीडिया पे देखा है, जिसमें वो ये उद्धृत करते हैं कि कई विधायकों के इस तरीके के बातें आई हैं कि जिसमें वो कह रहे हैं कि फोन टेप हो रहे हैं, जासूसी हो रही है। तो किसी प्रदेश में यदि कोई प्रदेश इन्हीं आशंकाओं के बीच में रहे, क्योंकि लोगों ने एक बरस पहले इसी तरीके का दृश्य देखा था जब सरकार 42 दिन बाड़ेबंदी में रही, उप मुख्यमंत्री को पीसीसी चीफ को बर्खास्त करना पड़ा और उसके बाद सरकार, एक चुनी हुई सरकार 42 दिन बाड़े में बंद रहे, और उसी आशंकाओं के बीच में यदि कोई विधायक की आशंका व्यक्त करे कि हमारी जासूसी होती है और फोन टैपिंग होती है, तो मुझे लगता है कि एक अघोषित किस्म का आपातकाल प्रदेश में लगा दिखता है कि हर तरफ सेंसरशिप दिखती है, शंका दिखती है। बजाय प्रबंधन के ये सरकार जासूसी और फोन टैपिंग जैसी काम बात करती है, तो मेरा प्रश्न सीधा सीधा ये है कि ये वो विधायक कौन है। सरकार को चाहिए कि उनको उजागर करे, और किसी भी लोकतांत्रिक प्रदेश में इस तरीके की कवायद होती है तो उसके दोषी सीधे सीधे मुख्यमंत्री और गृहमंत्री होते हैं। उनको आज नहीं तो कल जनता की अदालत में जवाब देना पड़ेगा। दरअसल राजस्थान कांग्रेस विधायक वीपी सोलंकी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरा फोन टेप किया जा रहा है या नहीं, लेकिन कई विधायकों ने कहा है कि मोबाइल फोन टेप किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो अपने ही विधायकों के फोन टेप कर उन्हें धमका रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि एक साल पहले भी ऐसा ही हुआ था, उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया गया था। अगर किसी विधायक को इस पर शक है तो ऐसा लगता है कि राज्य में अघोषित आपातकाल है, सीएम और गृह मंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं और कांग्रेस का आंतरिक संघर्ष मध्यावधि चुनाव का संकेत है। सतीश पुनिया ने कहा कि अब फिर से कांग्रेस के एक विधायक ने कहा है कि उनकी पार्टी के कई विधायक कहते हैं कि उनके फोन टेप हो रहे हैं, जासूसी हो रही है। कांग्रेस बताए कि ये विधायक कौन है। बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने ही विधायकों को डरा रही है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि कांग्रेस के किस विधायक ने फोन टेपिंग को लेकर बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं बच्चियों के प्रति बढ़ रहे अपराधों को लेकर भी राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि राज्य में बलात्कार के मामले बहुत आम सी बात हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि गहलोत सरकार के ढुलमुल रवैये से अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका अंदाजा बाकायदा लगाया जा सकता है। देखिए, सरकार की बुनियाद कमजोर थी, 99 सीटें आई थी, फिर बीएसपी को अवैधानिक तरीके से मर्ज किया, उसके बाद निर्दलियों का समर्थन हासिल किया और हिलते हुए पाए की सरकार थी जिसकी बुनियाद कमजोर थी, और ऐसी स्थिति में दूसरा कोड में खाज हुआ कि सरकार में अंतर्कलह हुआ। उस अंतर्कलह का असर सीधे सीधे राजस्थान की गवर्नेंस पर हुआ, जनता के हित के निर्णय नहीं हुए, और ऐसी अस्थिरता के बीच में जब सरकार नैतिक रूप से कमजोर होती है, कमजोर सरकार कितने दिन चलेगी कोई कह नहीं सकता, लेकिन अभी जो वापस से कांग्रेस के भीतर जो अंतर्कलह सामने दिखा है वो इस किस्म का सा है कि धुआं जैसा दिखता है,
तो जहां धुआं होती है वहां आग भी होती है, और यही इस तरीके के संकेत हैं जो किसी भी कमजोर सरकार के दौरान किसी मध्यावधि चुनाव की तरफ इशारा करते हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब राजस्थान में गहलोत सरकार के दौरान फोन टिपिंग का मुद्दा उठा। पिछले साल जब सचिन पायलट ने बगावत की थी उस वक्त भी फोन टिपिंग का मुद्दा उठा था। तब पायलट ने अपने पाले के विधायकों के साथ साथ खुद को लंबे वक्त तक होटलों में कैद किया था। उस दौरान सरकार पर आरोप लगा था कि उसने MLAs ही नहीं बल्कि विपक्ष के नेताओं और पत्रकारों के फोन भी टेप किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज। अब इस पूरे विवाद को अगर हम मुख्य बिंदुओं में देखने की कोशिश करें तो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से राजस्थान में ये सियासी राड देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी खींचतान जारी है। ये तस्वीर राजस्थान की है। कांग्रेस विधायक ने ही अपनी ही सरकार पर आरोप लगाए हैं। आरोप बहुत गंभीर हैं। कांग्रेस के विधायक ने कहा है कि उन्हीं की सरकार कांग्रेस विधायकों के फोन टेप कर रही है। वेद प्रकाश सोलंकी ने दावा किया है। उन्होंने कहा कि विधायकों के जो फोन हैं वो टैप किए जा रहे हैं। सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं गहलोत सरकार अब नजर आ रही है और तमाम तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। बीजेपी अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर हमला भी कर रही है, कांग्रेस सरकार पर हमलावर नजर आ रही है और साथ में सवाल भी उठा रही है। और बीजेपी का ये भी कहना है कि ये मध्यवर्ती चुनाव के संकेत हैं। जिस तरह की स्थिति इस वक्त राजस्थान में है, राजस्थान में कांग्रेस विधायकों में है, ये संकेत हैं। तो राजस्थान में ये सियासी खींचतान दिल्ली तक भी पहुंच चुकी है। दिल्ली में पहुंच चुके हैं सचिन पायलट जो कि वहां के पूर्व डिप्टी सीएम हैं। और ये सियासी खींचतान इसलिए भी जारी है कि आज भी सोशल मीडिया की तस्वीरों पर हम नजर डालते हैं तो वहां पर एक दूसरे के ऊपर जो गुटबाजी की तस्वीर देखने को मिलती है। जो पायलट के आपको बताएं कि समर्थक हैं वो सोशल मीडिया पर दूसरे खेमे पर आरोप लगाते नजर आते हैं, तो वहीं दूसरे खेमे के जो लोग हैं वो सचिन पायलट के ऊपर भी आरोप लगाते नजर आते हैं। आज की तस्वीर की हम बात करें तो आज भी ट्विटर पर ये ट्रेंड चल रहा है कि जहां पायलट वहां हम, इस तरह की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। और इसी तरह की ये तस्वीरें अब बीते लंबे समय से देखने को मिल रही हैं। और कई जब बड़े नेता राजस्थान में पहुंचे तो ये विवाद खत्म हुआ था, लेकिन एक बार फिर से राजस्थान में ये सियासी खींचतान नजर आने लगा है और सवाल इसलिए भी उठने लगे हैं कि हाल ही में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जितेंद्र प्रसाद ने बीजेपी का दामन थामा और उसके साथ ही अब ये कयास लगाए जाने लगे कि सचिन पायलट नाराज हैं पार्टी से, वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि सियासी पंडितों की हम बात करें तो सियासी राजनीतिक जो विश्लेषक है उनका मानना है कि सचिन पायलट अभी इस तरह की स्थिति में नहीं है कि वो इस तरह का कोई कदम उठाएं। यकीनन उनकी नाराजगी जरूर है और उसको सुलझाने की कोशिश खुद कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो कर रहे हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश में जुटी हैं। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए, उसके बाद चर्चा का सिलसिला शुरू करेंगे। रूरल करोना वॉलंटियर्स कह के एक सत बंदियां दा ग्रुप हर पिंड दे विच बनाया जाए और सत मेंबर दा ग्रुप अपने पिंडां दे विच घूमे और एदे विच उहनां नूं एम्फसाइज करना चाहिंदा है, टेस्ट करो जैसे मैं तुहानूं दस्सिया, जिथे फिर अगर कोई पॉजिटिव निकलिया ओह किहनूं मिलिया उहनूं ट्रेस करो कि जाके देखो कि किहनूं मिलिया उहनूं भी टेस्ट करो और फिर जिहड़े कोविड पॉजिटिव ने ट्रीट करो। थ्री टीज टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट, ये चीजा अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले च कंट्रोल आ सकती है। Oh!
और राजस्थान की इस सियासी खींचतान को लेकर ही हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए अशोक सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। और इसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से राजेंद्र आर्य जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एएनपी न्यूज पर। सबसे पहले राजेंद्र जी रुख में आपका करना चाहूंगा, आरोप ये लगा है कि राजस्थान में अघोषित आपातकाल है। जी जी, जो भी इस तरीके का आरोप लग रहे हैं वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार की विफलताओं से, माननीय प्रधानमंत्री की विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए जो इस पूरे 14 महीने के कार्यकाल में या 7 वर्षों का जो इनका सुशासन है उस पर से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके मुद्दे प्लांट किए जा रहे हैं। जबकि वास्तविकता यह है, पूरी दुनिया के चाहे आप इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देख लीजिए, उसमें जो हमारे मतलब प्रधानमंत्री की जो छवि पर जो डेंट लगा है उसको होने के लिए या उसको ढकने के लिए आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश में अभी अभी मई महीने के अंदर 1,70,000 मौतों का आंकड़ा आया। सर कांग्रेस पार्टी ये पूछना चाहती है कि प्रधानमंत्री मौतों के बारे में आंकड़े क्यों छुपा रहे हैं। नहीं राजेंद्र जी देखिए, आपका पहला कमेंट मैं आपको बीच में नहीं डिस्टर्ब करना चाह रहा था, लेकिन आपके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, वो आपके खुद के विधायक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फोन टेपिंग हो रही है। अगर मोहित जी, अगर आपने हमारे जो वेद प्रकाश सोलंकी जी है उनका पूरा बयान सुना होगा तो उन्होंने कहा कि मेरा फोन टेप नहीं किया जा रहा। नहीं, उन्होंने ये दावा नहीं किया है कि मेरा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं कि फोन टेप हो रहा है या नहीं हो रहा मेरा, लेकिन मुझे ऐसी शिकायत बाकी विधायकों ने की है। नहीं नहीं, वो आपस की बातचीत है ना, उन्होंने कोई नाम तो लिया नहीं, ये सिर्फ कयास है और कयास के बेस पे कोई ऐसी बड़ी डिबेट होने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है सर, राज्य के सामने बेरोजगारी है, महंगाई है, वैश्विक महामारी है, उन चीजों से ज्यादा इन चीजों पे तवज्जो देने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि भाजपा में तो लोकतंत्र है ही नहीं, वहां पे तो किसी को बोलने का ही मौका नहीं दिया जाता। नहीं ठीक है, मैं इस पर भी आऊंगा। अशोक सिंह शेखावत जी रुख में आपका करना चाहूंगा, दावे आप लोग कर रहे हैं कि अघोषित आपातकाल है, आप कह रहे हैं कि मध्यवर्ती चुनाव के संकेत हैं, वो कह रहे हैं सब ठीक है। इस प्रकार से राजेंद्र आर्य जी ने बड़ी चतुराई से आपने देखा होगा और किस प्रकार से अपनी बात कही, मतलब अपनी सरकार के अंदर अपने संगठन के अंदर जो भी कोई कमियां है और उस कमी को उजागर करना भारतीय जनता पार्टी को दरागिया से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार कर रही है। क्या वेद प्रकाश जी सोलंकी जी हैं, उन्होंने कहा कि सब कोई वक्तव्य नहीं दिया, मीडिया के समक्ष कल आए हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे विधायकों ने कहा है कि मेरा टेप किया जा रहा है, हम विधायकों के साथ साथ उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी हैं उनका भी फोन टेपिंग किए जा रहे हैं और साथ साथ ये और कहा है कि कुछ कर्मचारी हैं जिनको हमने लगाए, अधिकारी को लगाए, उनको प्रेषण किया जा रहा है। तो ये वक्तव्य एक तरह से इनके लिए साफ आता है कि सरकार की क्या मंशा है और सरकार गहलोत सरकार क्या करना चाहती है। गहलोत सरकार 14 माह से अपने सीएमआर से बाहर नहीं निकले, चुनाव में के समय निकले, उसके बाद में आप देखोगे तो एक बार भी ऐसा बताइए कि कहीं बाहर निकले हो, और इस कोरोना काल में तो इन्होंने वर्चुअल की मीटिंग के अलावा कुछ किया भी नहीं जी। और अपने ही विधायकों को और पूर्व जो इनके पीसीसी अध्यक्ष हैं उनको 10 माह से किस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं ये सारी राजस्थान की जनता देख रही है, और उसके अलावा उस प्रताड़ित से जनता भुगत रही है। राजस्थान के कुप्रबंधन के अंदर कोरोना का कुप्रबंधन इन्होंने कहा किस प्रकार से किया, कालाबाजारी इन्होंने करी, दलाली इन्होंने करवाई, भेड़ के अंदर आपने दलाली कालाबाजारी करवाई, कोरोना काल के अंदर हर चीज के अंदर आप देखेंगे तो इस सरकार का फेलियर रहा। और ये गुटबाजी नहीं है, बड़ी ही गुटबाजी है जी, गुट में गुट बने हुए हैं। नहीं गुटबाजी के आप सर बात कर रहे हैं शेखावत जी, इस पर मैं और भी आऊंगा, आरोप तो आपके ऊपर भी है गुटबाजी के, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। फतेह किट दिते ने कि थोनू कहते जान की लोड़ नहीं, अगर तुसी पॉजिटिव हो
स्टेज वन दे विचो लेवल वन दे विचो अपने घर जाओ फतेह किट थोनू मिल जूगा बीमारी की दवाई लेनी है कैसे लेनी है सारा कागज विच है कोई बंदा आऊगा जेड़ा थोनू देगा और समझाऊगा भी थोनू और तुसी लो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शेखावत जी रुख में आपका एक बार फिर से करना चाहूंगा। आर्य जी ने कहा कि बीजेपी में तो बोलने का भी अधिकार नहीं है, लोकतंत्र भी नहीं है, आप लोग बोलने ही नहीं दे रहे। लोकतंत्र तो जिस पार्टी के अंदर 19, 20, 21 सालों से एक व्यक्ति ही अध्यक्ष है और उनका परिवार का अध्यक्ष है और जो इनके पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व आपके जो अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी डेथ होने के बाद इन्होंने क्या दुर्दशा करी, उनको वहां पर उनके कार्यालय में नहीं आने दिए और आए तो उनको निकाल दिया वहां के उनके पार्थिव देह को। तो ये हमारे लिए क्या कहेंगे। 1980 से लेकर के आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के कितने ही प्रदेश अध्यक्ष जी और कितने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष देख लीजिए कितने चेंज हुए जी। कांग्रेस में ये बता दीजिए आपका कितना चेंज हुए, दो या एक के अलावा कोई नहीं मिलेगा। तो लोकतंत्र तो इनके ये बताएं कि लोकतंत्र की परिभाषा इनके नजरिए से तो ये है कि नहीं शेखावत साहब इतनी चेंज हो गई, इतनी चेंज हो गई कि पूर्व मुख्यमंत्री का फोटो पोस्टर से गायब हो गया। देखो कि आपने ये प्रश्न पूछा तो देखो आप ये देखिए कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय नीति है जी और उसमें आप देखेंगे कि सेंटर के अंदर आप देखिए कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी का तस्वीर है और जेपी नड्डा जी की तस्वीर है, आज वर्तमान में आप और उसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी है और पंडित दीनदयाल जी की तरफ दूसरी लगे ऐसे ही राजस्थान के अंदर है। यहाँ के राजस्थान के जो आप अध्यक्ष प्रदेशाध्यक्ष सतीश जी पूनिया जी हैं उनकी है और विपक्ष के नेता हैं कटारिया जी उनकी है। तो इसमें क्या है, और वसुना जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इनके जैसे तो नहीं, सरकार की बड़ी जिम्मेदारी होती है, आपके जनता के प्रति जिम्मेदारी है। राजस्थान के अंदर अपराधों का आप सिलसिला देख लीजिए कि इनके 30 माह के कार्यकाल में 5,16,000 अपराधों का एफआईआर राजस्थान में हो चुकी है महिलाओं के। नहीं ठीक है, मैं आर्य जी से इसका कमेंट इस पर लूंगा लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, जल्दी हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस नु असी ताही हरा सकदे आं जेकर असी अपने वध तो वध टेस्ट करवावांगे ते वैक्सीनेशन लगवावांगे। जैसे थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। पंजाब सरकार वालों कोरोना वायरस नाल निजिठण लई पंजाब दे पिंडां विच वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई है तां जो 18 साल तो उपर दे सारे लोग जल्द तो जल्द अपनी वैक्सीनेशन करवा सकन। पूरे पंजाब दे पिंडा लई कोविड टेस्टिंग केंद्र स्थापित कीते गए ने। जेकर तुहानू बुखार जुकाम जेहे लक्षण महसूस हुंदे हन तां तुरंत अपना कोरोना वायरस दा टेस्ट करवाओ। कोरोना संबंधी जानकारी लई 104 हेल्पलाइन ते कॉल करो। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मन्नो कि आपा पंजाब नू बचाउणा है, अपने परिवारां नू बचाउणा है, अपने पिंड नू बचाउणा है, तुसी अपने मोहल्लिआं नू बचाउणा है, तुसी जो दस्या डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह, यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आर्य जी रुख में आपका करना चाहूंगा। सरकार में आप लोग हैं, सत्ता में आप लोग हैं और खेमेबाजी भी आप लोगों में नजर आ रही है। आपकी स्थिति तो ऐसी है कि पूर्व डिप्टी सीएम को दिल्ली का रुख करना पड़ रहा है। मोहित जी ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां तक कोरोना काल है तो कोरोना काल के अंदर सारी चीजों को एक तरफ रख के और प्रदेश की जनता की जान बचाने का सबसे बड़ा दायित्व था। तो इस वजह से जो भी पुराने मामले थे जो लंबित रहे, आपने देखा होगा कि हमारे पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी इसीलिए स्थगित किया गया
क्योंकि अभी हमारे सामने या देश के सामने संकट वैश्विक महामारी को लेकर है, और अभी जिस वजह से जो मतलब मोदी शासन की जो कुशासन है या गलत नीतियां है उसकी वजह से जो बेरोजगारी और महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है, आज उस सब को देखते हुए हमने इन चीजों को कहा कि भाई जैसे ही दिन सामान्य होंगे और जो सुलह कमेटी की सिफारिशें जो होंगी या शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा वो फैसला सभी को मान्य होगा। नहीं सर, मेरा एक सवाल जो छोटा सा ये है कि कांग्रेस की इस खेमेबाजी का जो भुगतान है वो जनता क्यों करे? इसको लेकर जो समस्याएं, आप उनका आरोप है कि जो कर्मचारी हैं उनको परेशान किया जा रहा है, जो अधिकारी उनको परेशान किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो सचिन पायलट के समर्थक है। मोहित जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा, आप माननीय मुख्यमंत्री जी का रोजाना का रूटीन देखेंगे ना, हर दिन कोई ना कोई लोक कल्याणकारी योजना की शुरुआत होती है। कल भी मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना का प्रारंभ किया गया, जिसके अंदर जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप और जो उनको पेंशन है या जो युवा है उनके लिए भी कोई एक मुश्त सहायता की बात है, चाहे विधवाओं के लिए जो योजनाओं की बात है, ऐसी तमाम योजनाएं। तो राजस्थान सरकार हमेशा से ही लोकतंत्र में और लोक कल्याणकारी तरीके से काम करती है और जो भी जनता के लिए बेहतर तरीके से हो सकता है। आपने देखा होगा कि जब केंद्र सरकार ने 18 से 45 वर्ष के युवाओं के लिए वैक्सीन की मनाही कर दी थी तो राजस्थान सरकार ने अपना खजाना खोल दिया था, और उसके बाद में इतना हमने विरोध किया पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सरकार को दबाव झेलना पड़ा। और बाद में जो आप तो सर योजनाओं की बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि संकेत जो मिल रहे हैं वो मध्यवर्ती चुनाव के मिल रहे हैं, कभी भी सरकार गिर सकती है, इनकी फूट इतनी इस स्तर तक जा चुकी है। ऐसा नहीं है, किसी भी तरह की कोई बात नहीं है। मध्यावधि चुनाव की जो बात करते हैं आप, इनका देखिए ना, भाजपा का लोकतंत्र में कितना विश्वास है। भाजपा जो केंद्रीय संवैधानिक संस्थान है, चाहे ईडी है, चाहे इनकम टैक्स है, चाहे सीबीआई है, चाहे सीएजी है, इन संस्थाओं का दुरुपयोग करके आपने बंगाल के अंदर देखा, बंगाल के अंदर इन्होंने 2017 के अंदर टीएमसी से जो मतलब नेता टूट कर आए उनको इन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, उस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कल इनका दामन छोड़ दिया, उस बात पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता। और उसके अलावा भी अभी वहां से भी एक सांसद है जो आने वाले हैं, तो ये भाजपा के अंदर अब बिखराव की शुरुआत है। और आप इस चीज को देखिए ना, भाजपा और आरएसएस के बीच में भी जवाब दूंगा रे साहब, लेकिन एक बात मैं आपसे समझने की कोशिश करना चाहूंगा। आप वहां पर तंज कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, आपके उत्तर प्रदेश के नेता जा रहे हैं, बीजेपी में शामिल हुए हैं, और बल्कि ये भी दावे किए जा रहे हैं कि आपके खुद के जो दिल्ली में भी पहुंचे हैं उनके भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। मोहित जी, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से जतिन प्रसाद जी को भाजपा में शामिल किया गया और जिस तरीके का प्रचार किया गया कि एक बहुत बड़ा ब्राह्मण चेहरा, क्या इसका मतलब भाजपा में कोई ब्राह्मण चेहरा ही नहीं है? जो वहां पे ऑलरेडी भाजपा में ब्राह्मण नेता है वो लोग किस काम के हैं? आप देखें ना, अगर कांग्रेस से इनको नेता चाहिए तो फिर इनका इनका क्या? आपने 2014 के अंदर देखा 100 से ज्यादा सांसदों को इन्होंने कांग्रेस के नेताओं को टिकट दी। तो आज इस चीज को देखिए, भाजपा के पास में ना तो कार्यक्रम है, ना कार्यकर्ता है, ना ही कोई नेता है। ये पूरा का पूरा आज ही अपने नेताओं की बात करते हैं। आज मैं इस पे शेखावत जी का भी कमेंट लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। वैक्सीन जरूर करवानी है, तुसी थोड़ी एंटीबॉडीज बढ़ाने ने, जो थोड़े एंटीबॉडीज बढ़नगे वो एंटीबॉडीज ने जिहड़ी कोरोना दे नाल जंग लड़ सकदी है थोड़े बॉडीज दे विच, ए थोनू करवाना चाहिंदा है। थोनू वो डॉक्टर जो पहले दिन तो कह रहे ने मास्क नहीं भुलना, अगर किसी नू कोविड हो भी चुकया उन भी देखो कि मास्क पहने, क्योंकि स्ट्रेन बदलते, ये जिहड़े स्ट्रेन ने ना कोरोना दे इन्हां दी म्यूटेंट्स बन जांदे ने। इस करके तुसी वो जो बेसिक चीजा ने मास्क पहनना, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। तुम
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है, दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शेखावत जी, रुख में आपका करना चाहूंगा। सवाल ये होगा कि आप कह रहे हैं कि उनके नेता आपके यहाँ शामिल हो सकते हैं, मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं, लेकिन आपके खुद के जो नेता हैं वो उनमें नाराजगी नजर आ रही है। देखो कि जिस प्रकार से आर्य जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा सब कुछ है, लोकतांत्रिक पार्टी है जी, आप देखिए कि इस कांग्रेस पार्टी में कोई आपका कोई नीति है, कोई पॉलिसी है? यदि आप पॉलिसी नहीं बनाओगे, पॉलिसी में पैरालाइज क्या होगा, तो आपके नेता क्या करेंगे? बंदड़ मचेगी। और अपने नेताओं को आप संभाल नहीं पा रहे, और वो भी राहुल गांधी जी की ब्रिगेड है। ये पुराने जो नेता है जितने भी इनके, वो ये चाह रहे हैं कि इन सबका सफाया किया जाए, और वो चाह रहे हैं। और बीजेपी में माथा मंडिया सब बीजेपी में आ रहे। क्या लोकतंत्र के अंदर किसी भी दल का कोई आदमी आ नहीं सकता क्या? आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? वो बीजेपी का ही किसी में जाता है, आप तो कभी नहीं करते। ये उछल उछल क्यों करते हैं साहब? इसके आगे कोई दलाली ले ली, ये कोई बात थोड़ी होती है। लोकतंत्र में सबको हक आ सकते हैं। दूसरी इन्होंने बात कही कि कोरोना काल की, कोरोना काल के अंदर आपने नियुक्तियां नहीं करी क्या? जो आईपीएस और आईएएस जो रिटायरमेंट है उनको सबने आपने बढ़ाया, और कई ऐसी चीजें जिसके अंदर भी आपने दिया है, लेकिन जो ग्रुप था उस ग्रुप को आपने सम्मिलित नहीं किया है। और एक तो एक इन्होंने तो आरपीसी के मेंबर उनको बना दिया, उनकी मिसेज को बना दिया है जिसने राहुल गांधी जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो ये कौन सी बातें कर रहे हैं? और ये हम नहीं कह रहे, इन्हीं के लोग विधायक जो बार बार में कह रहे हैं। और आप देखिए कि इनके शांति धारीवाल जी बहुत बड़े लीडर हैं राजस्थान के, नंबर टू आ रहे हैं। अब नंबर टू थ्री फोर की लड़ाई हो रही है वहां पर राजस्थान के अंदर। वो पीसीसी चीफ को गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहते हैं आप जैसे कई अध्यक्ष है देख लिए, पता नहीं कितने आए कितने चले गए, ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। ना, ना, और मीडिया के अंदर सुर्खियां बन रही है। ये बात जहां तक आप देखिए कि ये बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी कही जा रही है, और बीजेपी के लोग ही कह रहे हैं। आपने तो देखा होगा कि किस तरीके से वसुंधरा राजे का मंच बनता है सोशल मीडिया पर, दूसरा हम देखते हैं कि पुनिया साहब का मंच बन जाता है, एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं वहां पर, एक दूसरे के ऊपर आरोप ऐसे आपके ऊपर भी है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, हमारा कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है जी, क्योंकि सत्ता किनकी आज कांग्रेस की है, तो जिम्मेदारी इनकी ज्यादा बनती है कि जनता को आप कैसे सहूलियत दो। आप लड़ाई झगड़ा करोगे तो नहीं, जिम्मेदारी उनकी है। वो जिम्मेदारी का किस तरीके से निर्वहन कर रहे हैं वो जनता देख रही है, दुनिया देख रही है। लेकिन सवाल सर एक ये कि आप कह रहे हैं कि सचिन पायलट बीजेपी में आ सकते हैं, वो बीजेपी में आ सकते हैं, तो आपके खुद के जो नेता हैं क्या वो तैयार हैं? क्या उनको सीएम बनाया जाएगा? उनको वो तैयार होंगे आपके खुद के नेता उनको सीएम के रूप में देखने के लिए? मैं इस पर सर कॉमेंट लूंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। रूरल करोना वॉलंटियर्स कह के एक सत बंदियां दा ग्रुप हर पिंड दे विच बनाया जाए, और सत मैंबर दा ग्रुप अपने पिंडां दे विच घूमे, और एदे विच उन्हां नूं एम्फसाइज करना चाहिंदा है, टेस्ट करो जैसे मैं तुहानूं दस्सिया, जिथे फिर अगर कोई पॉजिटिव निकलिया वह किनूं मिले उन्हूं ट्रेस करो कि जाके देखो कि किनूं मिले, उन्हूं भी टेस्ट करो, और फिर जेड़े कोविड पॉजिटिव ने ट्रीट करो। थ्री टीज टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट, ये चीजां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो इहदे च अपने पिंड च और मोहल्लिया च कंट्रोल आ सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है, दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शेखावत साहब, एक बार रुख में आपका फिर से करना चाहूंगा। जो शख्स सीएम की रेस के लिए, जो शख्स खुद सीएम बनना चाहता है, वो शख्स अगर आपकी पार्टी में शामिल है, वो भी गया, तो आपके नेता क्या सीएम के रूप में स्वीकार करेंगे उनको? देखो कि इस प्रकार की बातों के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं जी, इसी प्रकार की कोई बात है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको कह नहीं सकता। अपनी चर्चा यह थी राजस्थान के अंदर कैसे न कैसे अच्छी सुविधा मिले, लोगों को कल्याणकारी योजनाएं मिले, और उन कल्याणकारी योजनाओं को सरकार करती है, लेकिन सरकार में गुटबाजी होगी तो राजस्थान का भला नहीं होगा। आग यदि आप धुआं आ रहा है तो आग की जरूरत है, आग भी इन्होंने लगाई है, कोई बीजेपी ने आग नहीं लगाई है, और आग भी लग रही है, और इनके विधायक कह रहे हैं। विश्वेंद्र सिंह जी कभी
कहां जा रहे हैं, कभी पायलट साहब के पास में आ रहे हैं। इसी प्रकार से कई विधायक हैं। और आचार्य प्रमोद कुमार जी ने क्या कहा, जो कांग्रेस के इनके नेता है, उन्होंने कहा कि सचिन पायलट साहब के साथ नाइंसाफी हुई है जी। 10 माह हो गए हैं, वो 10 माह के अंदर कोई कमेटी ने कोई मीटिंग ही नहीं करी है। पहली मीटिंग हुई अहमद साहब थे तब हुई, उसके बाद में नहीं हुई है। तो राजस्थान की जनता को आपको बता तो कैसे करोगे, आप मुख्यमंत्री जी के पास में 32 डिपार्टमेंट है, पता तो मुख्यमंत्री के पास 32 डिपार्टमेंट रहते हैं क्या? और जो मुख्यमंत्री अपने सीमांत से 14 महीने से बाहर नहीं निकले, एक ग्रह की इस आदमी को मैं कैसे न कैसे करूं। और मोदी जी पर जबरदस्ती इसको ध्यान भटकाने के लिए मोदी जी पर, और चुपके से इधर से आप फोन टैपिंग कर रहे हो और उन लोगों को आप प्रेसराइज कर रहे हो कि हमारे ग्रुप में आ जाइए, आपको ऐसा करेंगे। तो मतलब अपने ही आदमियों को मार रहे हो। लेकिन लेकिन शेखावत साहब ये तो सच्चाई है कि गुटबाजी बीजेपी में भी चल रही है, जिम्मेदारी उनकी है, कांग्रेस की ज्यादा है, सत्ता में वो लोग हैं, वो मानते हैं, लेकिन गुटबाजी बीजेपी में भी चल रही है। नहीं, इस प्रकार की कोई भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं है, सारा नॉर्मल काम चल रहा है, जितना जिस चल रहा है। सेवा संगठन का पूरा देखिए आपने, हमने किस प्रकार से किया, 4,000 ब्लड यूनिट की हमारा युवा मोर्चा ने किया, उसके अलावा हमने किट बांटे गए, राशन सामग्री दी, खाद्य सामग्री हमने दी है जाकर के, जितने भी मैं खुद हेल्पलाइन के अंदर खुद जुड़ा हुआ था, हमारी टीम थी इस कोविड काल के अंदर, हमने पूरा काम किया इसके अंदर। हमारे पास कैसी कैसी समस्याएं आते थे, लोग रोने लग जाते थे। जो लोग सोशल मीडिया पर अपनी बात कहते हैं, जमीन पर नहीं उतरते हैं, वो खुद को मुख्यमंत्री दावेदार ना समझें। ये किसका कहना था सर, ये किसके लिए कहा गया था? मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार की कोई हमारे इस संगठन के अंदर कोई बात आई है तो उसके अंदर इतना नहीं है कि कांग्रेस पार्टी आज सरकार के अंदर है, तो सरकार में है तो उनका दायित्व तो बनता है कि किस प्रकार की, आज मुख्यमंत्री का चयन बीजेपी में तो हो ही नहीं रहा, न चुनाव 2023 के अंदर, उससे पहले है नहीं है। ठीक है, ये तो कोलकल्पित बातें हैं, कोलकल्पित का कोई मतलब नहीं। ठीक है, आर्य साहब कुछ कहना भी चाहते हैं, सवाल मेरा भी होगा आर्य साहब, उन्होंने बहुत सही बात कही, उन्होंने कहा कि धुआं उठाए तो कहीं पर आग भी होगी, चिंगारी तो होगी जी। आर्य साहब, भैरव सिंह जी, शेखावत पूरे देश के अंदर निर्विवाद रूप से अपनी राजनीतिक विचारधारा के अलावा भी वो पूरे लोग राजनीतिक क्षेत्र में लोकप्रिय थे। आज उनकी देहांत के बाद में उनकी जयंती और पुण्यतिथि भी भाजपा नहीं मनाती है। ठीक है आर्य साहब, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, एक छोटे से ब्रेक पर हमें फिर से जाना होगा, जल्द हाजिर होते हैं। आज सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही कोरोना तो जूझ रही है। जिथे पहली लहर दे विच देश दे नाल ही पंजाब ने भी संघर्ष किया, उथे ही दूजी लहर विच पंजाब दी कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने ठोस फैसले ले ने ता जो कोरोना दे फैलाव नू रोकया जा सके। इना सब तो इलावा जे असी गल करिए जिलियां दी ता सरहदी जिला गुरदासपुर उन्हां जिलियां दे विच शामिल है जिथे सेहत सेवावां ने अपना लोहा मनवाया है, अते इस दा नतीजा ए है जदों देश दे होरना जिलियां विच कोरोना दे केस वध रहे सन ता दूजे पासे गुरदासपुर च कोरोना दा ग्राफ लगातार डिग रहा सी। दरअसल गुरदासपुर जिले च कोरोना तो निपटन लई पंजाब सरकार दे हुक्मां अनुसार सेहत विभाग वल्लों ठोस कदम चुके गए ने। इत्थे सेहत विभाग वल्लों 13 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए जिथे सरकारी प्राइवेट ते आर्मी हस्पतालां च 265 ऑक्सीजन बैड लगाए गए ने। जिले विच वैक्सीनेशन दा काम भी जारी है अते लोग भी टीकियां नूं लैके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे ने। सेहत विभाग वल्लों 18 तों 44 अते 45 साल तों उपर उम्र वालियां दा टीकाकरण कीता जा रहा है। जिले विच कुल 217 सेंटर स्थापित कीते गए ने जिथे रोजाना 4,000 दे करीब कोरोना टेस्ट कीते जा रहे ने। इस तो इलावा सेहत विभाग वल्लों होम क्वारंटाइन मरीजां लई फतेह किट भी भेजी जा रही है। ने बेसिक इन्वेस्टिगेशंस आ बेसिक टेस्ट जिहदे विच आरबीएस बीपी सैचुरेशन टेंपरेचर वगैरह चेक करदे आ ते ओह करके जे ते पेशेंट जिहड़ा ओह फिट आ होम आइसोलेशन वास्ते ओह बिल्कुल सही आ ते उहनूं असीं उत्थों ही जां गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वल्लों जिहड़ी फतेह किट है ओह असीं उत्थों ही जारी कर दिंदे आ ते जे कोई पेशेंट थोड़ा अनफिट जां अनस्टेबल सानूं लगदा उस नूं असीं एडमिट करके आइसोलेशन वार्ड दे विच ही इत्थे रख लैंदे आ ते उहनां दा जो प्रोपर ट्रीटमेंट है जिहड़ा एज पर प्रोटोकॉल ICMR गाइडलाइन दे मुताबिक ओह जिहड़ा असीं करदे आ। सिर्फ गुरदासपुर के शहरी खेत्र च ही नहीं सगो पेंडू खेत्र विच भी सेहत विभाग वालों लगातार सैंपलिंग की जा रही है ते वैक्सीनेशन का काम भी जारी है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अब रुक फिर से आर्य साहब, मैं आप ही का करना चाहूंगा। बहुत बड़ी बात शेखावत साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं चिंगारी जरूर होगी, आग कहीं ना कहीं जरूर होगी। भाई जी, मैं जैसा अपनी बात पूरी कर रहा था, मैंने कहा था कि भैरव सिंह जी शेखावत भारत के बहुत बड़े नेता रहे हैं जी। भाजपा के अंदर होते हुए भी पूरे राजनीतिक दलों के अंदर उनका मान सम्मान था। वो देश के उपराष्ट्रपति भी रहे और राजस्थान के दो बार मुख्यमंत्री रहे। उनके देहांत के बाद में भाजपा ने उनको क्या सम्मान दिया, आप देखिए इस चीज का। आज वसुंधरा जी के मान सम्मान की बात कर रहे हैं, वसुंधरा जी भी दो बार मतलब राजस्थान की मुख्यमंत्री रही, उसके अलावा वो चार पांच बार सांसद भी रही, केंद्रीय मंत्री भी रही। आप ये देखिए ना, भाजपा हमेशा अवसरवाद की राजनीति करती है, वो कभी भी अपने से ऊपर किसी को देखना ही नहीं चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, दो जने इस पूरे के पूरी भाजपा को चला रहे हैं। या लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, या किसी को बोलने नहीं दिया जाता। आपने यशवंत सिन्हा का उदाहरण देख लीजिए, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी का देख लीजिए, चाहे शांताराम जी का देख लीजिए, किसी भी नेता को इन्होंने जो भी इनके खिलाफ बोला उसको इन्होंने बर्फ में लगा दिया। अरे साहब देखिए, इस बात पर उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने आपके अध्यक्ष पद को लेकर उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कि क्या रहा, कब से बदला, एक ही परिवार लगातार जो अध्यक्ष रह रहा है उसको लेकर तंज उन्होंने कसा है। मोहित जी, अगर आपको पता है कांग्रेस पार्टी का इतिहास, 136 साल के इतिहास में गांधी परिवार के कितने लोग अध्यक्ष रहे, ये मैं अशोक जी से पूछना चाहता हूं, और कितने साल तक रहे। आज आप इस चीज को देखिए ना, मतलब कितने मुख्यमंत्री, और जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जिन्होंने कोई बलिदान नहीं दिया। आज भाजपा जिन लोगों को पोस्टर पे लगाती है उनका योगदान तो बता दे। अगर ये बता दे कि भाई जो आपके उन्होंने कितना बलिदान दिया है, आपने कितना बलिदान दिया है, हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, उसमें नहीं घुसना चाहते, लेकिन एक बात में समझने की कोशिश करना। नहीं, आप देखिए उनके उनके नेताओं की आपको चिंता है, उन्हें आपके नेताओं की चिंता है कि सचिन पायलट को सम्मान नहीं मिल पा रहा, आप कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे को सम्मान नहीं मिल रहा है। इनकी बात के ऊपर ही मैंने जवाब दिया है, हमें तो देश की चिंता है, हम इन चीजों पे बहस ही नहीं करना चाहते। हम तो चाहते हैं कि बहस हो महामारी के ऊपर, बहस हो जो मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे उसके ऊपर, बहस हो यूपी के अंदर जो गंगा नदी के अंदर लाशें तैर रही है, या लाशों के गंगा नदी के किनारे जो लाशें दफनाई। ठीक है सर, मैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए रोक रहा हूँ, आपको बीच में रोक रहा हूँ, जल्द हाजिर होते हैं। फतेह किट दिते ने कि तुहानू किते जाण दी लोड़ नहीं, अगर तुसी पॉजिटिव हो, स्टेज वन दे विच हो, लेवल वन दे विच हो, अपने घर जाओ, फतेह किट तुहानू मिल जूगा। बीमारी की दवाई लेनी है, कैसे लेनी है, सारा कागज विच है, कोई बंदा आऊगा जिहड़ा तुहानू देऊगा और समझाऊगा भी तुहानू, ओ तुसी लो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आर्य साहब, एक बार रुख में फिर से आप ही का करना चाहूंगा। सवाल वही होगा कि धुआं उठ रहा है तो चिंगारी भी कहीं ना कहीं जरूर होगी। क्या आप नहीं मानते कि कोई गुटबाजी है, किसी तरह की समस्या चल रही है, कोई बगावत चल रही है अंदर खाने? देखिए मोहित जी, राजनीतिक दलों के अंदर आपस में जो प्रतिस्पर्धा है वो होती है, ऐसा नहीं है। राजनीति के अंदर कोई भी आता है ना तो वो सबके अंदर महत्वाकांक्षा ही होती है, लेकिन जो हर पार्टी का अपना एक अनुशासन होता है और अपना एक कायदा होता है और शीर्ष नेतृत्व तो होता है, वो जो फैसला लेती है उसके अनुसार ही चीजें होती है। तो आज हमें इन चीजों के ऊपर इतना ज्यादा नहीं, देश के सामने अभी बहुत सारी समस्या है, चाहे वैक्सीनेशन को लेकर देश की धीमी गति हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, तो ये सारे के सारे मुद्दे आज गंभीरता इस बात की है कि देश के अंदर मौतों के आंकड़े छुपाए गए, मतलब 7 गुना से भी ज्यादा मौतें हैं। मतलब देश के अंदर भी जो रिसर्च हुई, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो रिसर्च करी, वैसे के वैसे आंकड़े देश के अंदर रिसर्च के बाद भी आए। तो आज उन चीजों पे कोई कहना नहीं चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता। वैक्सीनेशन के अंदर प्रधानमंत्री
जो आउटरीच फोरम है G7 का, उसके ऊपर कहते हैं कि मतलब वन अर्थ वन हेल्थ, ये क्या मतलब? और उसके बाद में देश के अंदर क्या है कि आपको अपने देश के आईसीएमआर पे विश्वास नहीं है, हेल्थ मिनिस्ट्री जो आंकड़े दे रही है उस पर विश्वास नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स क्या छाप रहा है, किसी दूसरे देश की पत्रिका या न्यूज चैनल क्या दिखा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स पे आपको विश्वास है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शेखावत साहब, सवाल उनके उठ रहे हैं, उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन पर ध्यान देने की जरूरत है, इस तरीके से लोगों की मदद करने की जरूरत है। देखो, पहले तो उन्होंने कहा कि देश की चिंता कांग्रेस को है, तो आपने कल ही दिग्विजय सिंह जी का स्टेटमेंट देखा होगा, किस प्रकार से उसने आपके चर्चा की, और उस चर्चा के अंदर उन्होंने बता दिया ना पाकिस्तान के अंदर कैसा उनका सांठगांठ चल रहा है। हम 370 को रेस्टोर करेंगे, रीस्टैंड करेंगे, रिव्यू करेंगे, तो मतलब ऐसे विचार की कांग्रेस सरकार राजस्थान के अंदर भी ऐसे रिव्यू करती रहती है बार बार के अंदर, तो उसके बारे में मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन देश की चिंता हमें पता, देश की चिंता आप क्या कर रहे हो, और विदेशी मीडिया की आपने पुण्य सवाल बताया, टूल किट क्या था, ये वहीं से तो आया, ये टूल किट बनकर के आया, तो एक खून की जैसे एक उसको था, उसको कैसे बदनाम करने का इन्होंने काम किया, हिंदुओं को कैसे बदनाम करने का काम किया, ये कांग्रेस का ये टूल किट तो है, हर चीज को मुद्दा बनाना और उसको छोड़ देना। नहीं ठीक है शेखावत साहब, मैं आपको बीच में रोक रहे हैं, एक और छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस नु असी ताही हरा सकदे आं जेकर असी अपने वध तो वध टेस्ट करवावांगे ते वैक्सीनेशन लगवावांगे। जैसे थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती दर्द है या मेनू खांसी हो गई या मेनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। पंजाब सरकार वालों कोरोना वायरस नाल निजिठण लई पंजाब दे पिंडां विच वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई है, तां जो 18 साल तो उपर दे सारे लोग जल्द तो जल्द अपनी वैक्सीनेशन करवा सकन। पूरे पंजाब दे पिंडा लई कोविड टेस्टिंग केंद्र स्थापित कीते गए ने। जेकर तुहानू बुखार जुकाम जेहे लक्षण महसूस हुंदे हन तां तुरंत अपना कोरोना वायरस दा टेस्ट करवाओ। कोरोना संबंधी जानकारी लई 104 हेल्पलाइन ते कॉल करो। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मन्नो कि आपां पंजाब नू बचाउणा है, अपने परिवारां नू बचाउणा है, अपने पिंड नू बचाउणा है, तुसी अपने मोहल्लिआं नू बचाउणा है, तुसी जो दस्सिआ डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह, यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शेखावत साहब, रुख में आपका एक बार फिर से करना चाहूंगा, उन्होंने कई बार वैक्सीन पॉलिसी को लेकर तंज कसने की कोशिश की, उन्होंने वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए, इससे पहले भी उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने दिल खोल दिया, खजाने खोल दिए। देखो कि जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि वैक्सीन के बारे में, जो जिन लोगों ने वैक्सीन का उत्पादन जो हिंदुस्तान में स्टार्ट हुआ उस समय इन्हें संशय उत्पन्न करने का काम किया, और डोमेस्टिक जो हमारे यहाँ पर जितने भी प्रोडक्शन इस वैक्सीन का हो रहे थे उस पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया था, हमें इस पर विश्वास नहीं है, और आज तक राहुल गांधी जी ने ये नहीं बताया कि उन्होंने वैक्सीन लगाई या नहीं लगाई। और समाजवादी पार्टी ने कहा, लेकिन उनके पिताजी ने तो लगा ली, कहा कि मैं तो लगाऊंगा, वो उन्होंने मना कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी ने तो लगवाना किया, वो भी अब कह रहे हैं लगवाने के लिए, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम भी जल्दी लगवाएंगे, ये देश की वैक्सीन है, ये मत कह रहा हूं दूर आए दूरस्त आए, लेकिन आए थे सुन, लेकिन अपने लोगों पर, अपने वैज्ञानिकों पर, अपने डॉक्टरों पर, अपने स्टाफ पर इन्होंने विश्वास किया, मैं बहुत बड़ा मानता हूं, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे थे, भ्रमित करने का काम किया, उसी का भी माफी मांग ले तो बड़े देश को बड़ा होगा कि इन लोगों ने माफी मांगी है, लेकिन इसको माफी ही माना जाएगा कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी ने कहा। आज साहब कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले शेखावत साहब एक सवाल मेरा आपसे ये भी होगा कि राजस्थान में वैक्सीनेशन को लेकर कोरोना की स्थिति को लेकर क्या आप संतुष्ट हैं? देखो कि जिस प्रकार से आप देखिए कि कल 4,95,000 की वैक्सीनेशन राजस्थान में हुआ जी, तो वैक्सीनेशन कंपनियां इनको दे रही है तो वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन एक और आज की अखबार में सुर्खियां आई है, क्या इस प्रकार की स्पीड से आप वैक्सीनेशन का क्या कर रहे हो, तो उसमें भी संशय आया है, लंबी लंबी कतारें लग रही है,
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है उसका भी इनको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक और कचरे के अंदर जो वैक्सीनेशन मिली अड्डे में मिली जलाई की वैक्सीनेशन 1.5 लाख वैक्सीनेशन खराब हुई उसका आंकड़े के बारे में मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है और एक अखबार ने कहा पत्रिका का बड़ा अखबार दावा किया है हाँ उसमें दावा किया गया है और चूरू में 39% वैक्सीनेशन खराब हुई है उसकी ऑडिट आज तक नहीं करवाई इन्होंने। ठीक है आर्य साहब दोनों बातों का जवाब कूड़े में वैक्सीन मिल रही है वेस्टेज को लेकर आप तो कह रहे थे पॉलिसी को लेकर कि केंद्र ध्यान दे सवाल आप ही के ऊपर आ गए। ओहित जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अभी हफ्ता भर पहले भाजपा शीर्ष नेतृत्व और आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व की एक बैठक हुई थी जी। वो बैठक किस लिए हुई थी आपको पता है वो इस देश के अंदर जो वैश्विक महामारी का संकट है उसके लिए नहीं हुई थी जी। वो बैठक हुई थी मोदी जी की जो सरकार की जो छवि खराब हो रही है उसको लेकर हुई थी। तो अब आप देख लीजिए कि भाजपा और आरएसएस भी मोदी जी की छवि को लेकर चिंतित है और मेरे दोस्त अशोक जी पता नहीं क्यों इस बात को लिपापोती करने में लगे हुए हैं। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन के लिए हमारी जो केंद्र सरकार है उसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी। 16 जनवरी से जो वॉरियर्स के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई मुझे एक बात बताइए अशोक जी से मैं पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर जो वैक्सीन निर्माता कंपनी आई है ICMR है रिसर्च के लिए केंद्र सरकार ने कितना पैसा दिया झूठ बोलते हैं ये और पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हलफनामे लिए वो भी अपने आप में विरोधाभासी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस सरकार की इतनी किरकिरी हुई जिसको केंद्र मतलब विपक्षी केंद्र कांग्रेस सरकार लगातार उठा रही थी कि जो कांग्रेस नेतृत्व तो है वो लगातार उठा रहा था और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार उठा रहे थे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है देश के संघीय ढांचे के साथ में खिलवाड़ किया गया। सवाल सर उसके भी उठाने चाहिए उनको जो वेस्टेज कर रहे हैं कूड़े में वैक्सीन को डाल रहे हैं 2500 लोगों की। देखिए वो सारी बातें वैक्सीनेशन को लेकर आपने देखा होगा कि इंटीग्रेटेड एक एप्लीकेशन बना हुआ है और उसके ऊपर पूरे के पूरे आंकड़े दर्ज किए जाते हैं कोई भी वैक्सीन कहीं पे भी वेस्टेज नहीं होता और जो तय सीमा है जैसे कि भाई इतना वेस्टेज होता है कि कई बार क्या होता है कि इतने मतलब वैक्सीनेशन के लिए नहीं आए तो उसके बाद में क्योंकि 4 घंटे से ज्यादा उसको आप रख नहीं सकते तो ये सारी चीजें उसके अंदर विशेषज्ञों ने भी कहा है कि 10% के आसपास में नहीं, वेस्टेज हो सकती है सर, राजस्थान के अंदर 5% का दे रखा है लेकिन 2500 डोज एक कूड़े में नहीं गलत बात है ऐसा कुछ भी नहीं है सिर्फ 5% वैक्सीनेशन का और जो भी आपको डिस्पोजल मिला ना वो पूरे के पूरे जो मतलब हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार उनका स्टोरेज करके उनका डिस्पोजल था उस तरीके से किए गए। ठीक है गहलोत जी अशोक जी देखो कि जिस प्रकार से एक चैनल पर आपकी पूरी रिपोर्टिंग आई थी पाली के 4 सेंटर के ऊपर और उस सेंटर के ऊपर बकायदा बताया गया उन्होंने पूछा गया कि उन्हें कहा कि हमें ट्रेनिंग नहीं दी गई इसको डिस्पोजल कैसे किया जाएगा आगे कैसे भेजा जाएगा और उन्होंने उसको कूड़े दान के अंदर थैली के अंदर पटक रखा था। फिर कहा कि साहब हमारे पास तो 3-4 लोग आते हैं उनको हम वैक्सीनेशन कर देते हैं बाकी 4 घंटे में खराब हो जाती है तो प्रॉपर रूप से आपको ट्रेनिंग देने का काम तो राज्य सरकार का ही होता है ना। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण बताया बाकी पता नहीं वैक्सीनेशन इन्होंने कितनी खराब करी है ये तो 4 गांव की बात है जो पीएससी के नहीं सर लेकिन अशोक शेखावत जी देखिए आप दावा कर रहे हैं लेकिन दावा आपने सुना होगा कि किस तरीके से राजस्थान के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने अपनी बात कही उन्होंने कहा कि उनका वेस्टेज 2% से भी नीचे है 2% से भी जबकि केंद्र का जो वेस्टेज जो दे रखा है उन्होंने 6% दे रखा है और आप आंकड़े बताते हैं कि इस तरीके से एक सेंटर पर इतनी वैक्सीन बर्बाद हुई दूसरे पर इतनी हुई। देखो कि पहले तो इन्होंने अप्रैल तक का जो आंकड़ा आया था वो 6% के लगभग आया था ठीक है उसके बाद के अंदर इन्होंने बताया मगर नहीं मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं इनके स्वास्थ्य विभाग का तो अभी तक कोई बुलेटिन नहीं आया कोई बुलेटिन नहीं है क्योंकि जब तक कोई सेक्रेटरी के अलावा कोई साइन होकर के वो चीजें नहीं आ जाती जब तक उसका नहीं माना जाता। बयानबाजी में इन्होंने तो छत्तीसगढ़ का और झारखंड का बता दिया था कि साहब ये 0.94% है एक में 4 है लेकिन वस्तुस्थिति में वो 7-8 आ रहे थे तो ये तो मुख्यमंत्री जी कुछ भी लिख सकते हैं तो इसके आधार पर इनको नहीं माना जाएगा। और अभी इन्होंने खुद ने एडमिट किया कि 5% तो हमारे हैं
आप 2% बता रहे हैं, आज अखबार में 2.06 बता रहे हैं, 0.6 बताया, मतलब 0.6 तो ये खुद ही बढ़ा रहे हैं, और जो इसमें इस समय तो अमृत है। ठीक है, बिल्कुल अमृत है, यकीन है आर्य साहब, पहले हो सकता तो हम मान सकते हैं, आज के समय में भी बिल्कुल बिल्कुल आर्य साहब, वैक्सीनेशन की बहुत जरूरत है। ठीक है आर्य साहब, मैं रुख आपका करना चाहूंगा, सवाल यही होगा कि उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, राज्य सरकारों को करना होगा, लेकिन अब ऐसे में जनता सरकार से क्या उम्मीद करे, जब सरकार के जो बड़े नेता हैं, जो पार्टी के बड़े नेता हैं, उनमें आपस में विवाद चल रहा है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि सरकार किस तरीके से टिकेगी, किस तरीके से वैक्सीन उनको मिलेगी, विपक्षी दल ये कह रहा है कि कभी भी सरकार गिर सकती है, मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं। मोहित जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान एक मॉडल स्टेट के रूप में पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में कोरोना महामारी को लेकर अपने आप को साबित किया है। जी मैं अशोक जी को और आपको आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वो किसी भी भाजपा शासित राज्य के साथ में राजस्थान की तुलना कर लीजिए, चाहे वैक्सीनेशन में, चाहे इलाज में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये खुली बात है, चाहे यूपी से कर ले, चाहे एमपी से कर ले, चाहे कर्नाटका से कर ले, कहीं किसी भी स्टेट से करने को हम इनसे खुली चुनौती देता हूं। राजस्थान के अंदर जो कोरोना काल का महामारी काल का जो प्रबंधन हुआ उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री जी के दिशा निर्देशों पर केंद्र के मुख्यमंत्री बाहर ही नहीं निकले, मोदी जी ने नहीं, वो कह रहे मुख्यमंत्री बाहर ही नहीं निकले, उन्हें पता ही नहीं कि प्रदेश में क्या हुआ है, कौन से सेंटर पर कितनों को वैक्सीन लगी है, कहां पर कितने लोगों की जाने गई हैं, वो ये कह रहे हैं। कोई जी हेल्थ प्रोटोकॉल को आप समझते हैं ना जी, जो कोरोना के लिए जो गाइडलाइंस थी या दिशा निर्देश थी उसके अंदर आइसोलेशन अपने आप में था, लेकिन आइसोलेशन में देखिए आप बहुत वरिष्ठ हैं, दिल्ली का मुख्यमंत्री अस्पतालों में जाकर स्थिति देख सकता है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जा सकते देख सकता है, हरियाणा का देख सकता है, पंजाब का देख सकता है, तो राजस्थान का क्यों नहीं? आपको याद है योगी आदित्यनाथ जी को कोरोना हुआ था जी, आपको याद है अरविंद केजरीवाल जी को भी कोरोना हुआ था, इस बीमारी में अपने आप को बचाना भी सबसे बड़ी बात है, ठीक है। आप इस चीज को देखिए ना, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप माननीय मुख्यमंत्री जी ने 14 से 18 घंटे तक वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेज की है, वीडियो कॉन्फ्रेंसेज की है, आपने बहुत बड़ी बात की है, बहुत बड़ा इशारा दिया, शेखावत साहब भी हंस रहे हैं, इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक पर हम जा रहे हैं सर, जल्द हाजिर होते हैं। वैक्सीन जरूर करवानी है, तुसी थोड़ी एंटीबॉडीज बधाने ने, जो थोड़े एंटीबॉडीज बधनगे वो एंटीबॉडीज ने जिहड़ी कोरोना दे नाल जंग लड़ सकदी है थोड़े बॉडीज दे विच, ए थोनू करवाना चाहिदा है। थोनू वो डॉक्टर जो पहले दिन तो कह रहे ने मास्क नहीं भुलना, अगर किसी नू कोविड हो भी चुकया उन भी देखो कि मास्क पहने, क्योंकि स्ट्रेन बदलते, ये जिहड़े स्ट्रेन ने ना कोरोना दे, इन्हां दी म्यूटेंट्स बन जांदे ने, इस करके तुसी वो जो बेसिक चीजा ने मास्क पहनना, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। तुम ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शेखावत साहब, रुख मैं आप ही का करना चाहूंगा, मुख्यमंत्री का बचाव भी जरूरी है सर। क्या ही यदि आप मीच के सो जाएगा घर के अंदर, तो आप सोच सकते हैं मंत्रियों का क्या करेंगे, प्रशासनिक क्या करेंगे, और जब पूरा प्रदेश प्रशासनिक तंत्र के भरोसे छोड़ करके आप बैठ गए, और इनके सारे मंत्री, एक मंत्री के अलावा बताऊंगा आपको, सारे मंत्री घर पर थे 12 मई के बाद में कहा गया तो ये गए, और उसमें कहने तो वर्चुअल मीटिंग करी, कहने तो वर्चुअल मीटिंग में नहीं करी। तो आप यदि मुखिया घर के अंदर बैठा है तो पूरे दूसरे लोग नहीं जाएंगे ना, यकीन बिल्कुल ठीक बात है शेखावत साहब, और अंतिम पड़ाव पे हम लोग पहुंच चुके हैं, आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि इस वक्त आपस में लड़ने का वक्त नहीं है, इस वक्त आपस में फूट का वक्त नहीं है, लोगों की मदद करने का है, क्या आप कहेंगे आखिरी कॉमेंट के रूप में? राजस्थान की जो सरकार है विपक्ष को तो मानती नहीं है, किसी को सुझाव ही नहीं मानती है, इन सुझावों को मुख्य उड़ाती है, फिर भी हम इनको कहते हैं आपको सुबुद्धि देते हैं, आप आराम से सरकार को चलाइए,
जनता के दुख दर्दों को सुनने की कोशिश कीजिए, बाहर निकलिए अपने महल से, और जब आप निकलोगे तो पता पड़ेगा जनता आपके लिए कैसे तैयार बैठी है। ठीक है, दूसरा गुट भी तैयार बैठा, जनता भी तैयार बैठी है। ठीक है, आपका तंज हम समझ पा रहे हैं। आर्य साहब का मैं रुख करना चाहूंगा, आपने उनकी बात सुनी, सर आप किस तरीके से जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि उन्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं, सरकार भी सुरक्षित है, वो लोग भी सुरक्षित है, अंतिम कमेंट सर क्या कहेंगे आप? मोहित जी बिल्कुल सही बात है, राजस्थान की सरकार ने जिस तरीके से दूसरी लहर के बाद भी जो प्रबंधन किया और तीसरी लहर के लिए भी हमने जो अपनी तैयारी की है जी, उसके साथ में हम केंद्र की सरकार से, मोदी जी से आग्रह करना चाहते हैं कि वो जो भी हमारे को सहायता या सहूलियतें देना चाहे वो दे सकते हैं। और उन्होंने जो हमारी कांग्रेस की मांग थी कि जो कोरोना से संबंधित जितने भी उत्पाद थे उनको को जीएसटी से मुक्त किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं किया, उनपे आंशिक रूप से जीएसटी घटाइए, तो उनको आने वाले समय में जीएसटी से मुक्त करना चाहिए और देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध करवाए, तो जिससे इस महामारी का मतलब। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों को अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए और आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो राजस्थान में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, सियासी उठापटक दोनों में जारी है, लगातार खबरों के लिए देखते रहें एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर, हम हैं एएनबी न्यूज। रूरल करोना वॉलंटियर्स कह के एक सत बंदियां दा ग्रुप हर पिंड दे विच बनाया जाए, और सत मेंबर दा ग्रुप अपने पिंडां दे विच घूमे, और एदे विच उहनां नूं एम्फसाइज करना चाहिंदा है टेस्ट करो, जैसे मैं तुहानूं दस्सिया जिथे फिर अगर कोई पॉजिटिव निकलिया ओ किहनूं मिलिया उहनूं ट्रेस करो कि जाके देखो कि किहनूं मिलिया उहनूं भी टेस्ट करो, और फिर जिहड़े कोविड पॉजिटिव ने ट्रीट करो, तीन टीज, थ्री टीज, टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट, ये चीजा अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले च कंट्रोल आ सकती है।